देश विदेश की सभी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हर खबर पर है हमारी पहली नजर। नमस्कार, मैं प्रीति शर्मा और आप देख रहे हैं कॉर्बेट बुलेटिन न्यूज। खबर लालकुआ से है। लॉकडाउन के चलते वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल सुनील कुमार मीणा ने आज नैनीताल उधम सिंह नगर के संवेदनशील बॉर्डर का निरीक्षण किया, साथ ही नगर की व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। बताते चले कि लॉकडाउन का पालन करवाना पुलिस के लिए एक चुनौती बना हुआ है, जिसके लिए लगातार पुलिस मुस्तैदी के साथ काम कर रही है और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। वहीं लालकुआ पहुंचे पुलिस कप्तान सुनील कुमार मीणा ने बताया कि यहां रेड जोन से आने वाले लोगों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। इसके अलावा बिना बताए अनाधिकृत रूप से शहर में आने वालों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन का फायदा उठाकर अवैध शराब का काम करने वालों के खिलाफ भी पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। इस दौरान उन्होंने सभी लोगों से कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए सरकार द्वारा लगाए गए लॉकडाउन का पालन करने की अपील की है। आप देख रहे हैं लालकुए से जफर अंसारी की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कॉर्बेट बुलेटिन न्यूज। नमस्कार। देखिए, आज लालकुआ में बॉर्डर को देखा गया और इस पर हिदायत दी गई कि बॉर्डर पे जितने भी बाहर से आने वाले लोग हैं, ख़ास तौर पे जो हमारे रेड जोन डिस्ट्रिक्ट घोषित हैं, वहाँ से आने वाले लोग हैं, उन पे विशेष नज़र रखी जाए और आते ही उनकी सूचना मुख्यालय को भेजी जाए ताकि उनका मेडिकल करवा के और उनके बारे में उचित निर्णय लिया जा सके। इसके अलावा शहर की व्यवस्थाएँ देखी गई हैं। शहर में ठीक है व्यवस्थाएँ और जो आवश्यक वस्तुओं की सामग्री की जो दुकानें हैं वो सभी खुली हैं। अनावश्यक कोई दुकान खुलती है तो उसके ऊपर निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी। और क्षेत्र में भी अगर कोई बाहर से अनाधिकृत रूप से व्यक्ति बिना सूचना के अगर आता है तो उसके ऊपर भी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी, उसके ऊपर FIR दर्ज करके उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। देखिए, ये एक ऐसी बीमारी है, हम एक ऐसे शत्रु से लड़ रहे हैं जिसका कोई रूप नहीं है, जिसका कोई आकार नहीं है। इसमें अपने बचाव ही सबसे बड़ा उपाय है इसको रोकने का। तो खुद सुरक्षित रहें, सोशल डिस्टेंस के नियमों का पालन करें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें और उसी से हमारा समाज और देश सुरक्षित रहेगा। देखिए, अवैध शराब के ऊपर हमने काफ़ी कार्रवाई की है और इसमें हमने गांव वालों का भी सहयोग लिया है। हमने गांव में अपना ग्रामीण लोगों को साथ लेके उनको पुलिस स्पेशल पुलिस ऑफिसर का दर्जा देके उनकी पिकेट्स बना रखी हैं, वो भी हमारी मदद कर रहे हैं। और इसके अलावा हम एक स्पेशल जो है, अब हमारा चूँकि स्थितियाँ थोड़ी नियंत्रण में हैं और सभी लोग लॉकडाउन का अच्छे से पालन कर रहे हैं, तो थाना पुलिस एक स्पेशल टीम बना के भी इसमें अभियान के तौर पे कार्रवाई कर सकती है। और जो हमारे क्षेत्र हैं आइसोलेटेड, जहाँ सामान्यतः कोई रास्ता नहीं है और पुराना ग्रामीणों का रास्ता है, उन क्षेत्रों को चिन्हित करके उन पर गश्त बढ़ाई जाएगी। सोशल डिस्टेंसिंग एक ऐसा चीज़ है जो व्यक्तिगत है, हर व्यक्ति को इसको समझना चाहिए कि सबसे पहले वो खुद सुरक्षित रहे और अपने साथ में अपने परिवार को सुरक्षित रखे। तो ये हम सभी की एक नैतिक जिम्मेदारी है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करें, मास्क लगाएं और क्षेत्र में जब भी बाहर निकलें दूसरों को भी इसके बारे में अवेयर करें।